बड़े अच्छे लगते हैं। ये वाला खोलिए। हाँ अरे हाँ अरे छुटके, पहले प्रिया बहू को ना हार पसंद करने दे, उसके बाद तू ना नताशे के लिए एक दो हार भिजवा देना। पर बाद में नाच के ले क्यों? मैं अभी भिजवा देती हूँ ना। नहीं नहीं अभी नहीं, प्रिया के बाद। प्रिया ना इस घर की बहू है, पहले उसका अधिकार है पसंद करने का। प्रिया पुत्र तू क्यों शर्मा रही है? देखो जो भी पसंद है ना बोल देना, और जल्दी कर बेटा, बहुत सारा काम पड़े है अभी। जी दादी। वो वाला दिखाई। कितने का है ये? प्रिया ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे कपूर खानदान की बहुएं कभी भी प्राइस टैग देकर ज्वेलरी चूज नहीं करती। अगर तुम्हें वो सेट पसंद है तो टेंशन मत लो और रख लो, ओके? नहीं ऐसे ही मुझे जानना है कितने का। मैडम ये तो बहुत हल्का हार है, बस इसकी कीमत 10 लाख है। 10 लाख? रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। दादी आपने शादी में मेरे लिए कितने गहने बनवाए, वो सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैंने पहने तक नहीं, उसी में से कुछ पहन लूंगी ना, ये नए गहने बनवाने की क्या जरूरत है? ये समझदार है मेरी बहू ना, मुझे तेरा ना पहला करवा चौथ है, इसलिए तोहफे कबूल करना तेरा हक है। कौन सा हार चाहिए तेरे को? अच्छा ठीक है, अगर लेना ही है तो फिर यही वाला, ये सबसे छोटे वाला। ठीक है तो फिर इसे साइड में रख दीजिए। खाक ठीक है, मेरी गोलू की बीबी इतना हल्का हार पहनेगी तो मेरी तो बरादरी में नाक ही कट जाएगी। प्रिया पुत्र तू ये हार ले, कितना अच्छा है, तू पसंद कर ले। नहीं दादी प्लीज, वो नहीं प्लीज दादी, आप जानती तो मैं इतने भारी गहने नहीं पहनती हूँ, मुझसे नहीं पहने जाते दादी प्लीज। ठीक है जैसे जो तेरे को पसंद है ना वो तू ले ले, तेरी मर्जी है। जी इसी का पुत्र तेरे को भी जो पसंद है ना तू ले ले वो। जी हाँ दादी। जरा वो वाला बताइए दादी, घर से फोन है, मैं अभी है। हाँ जा ना बात कर लेना। अम्मा वंडरफुल फैंटास्टिक। हाँ कार्तिक। कार्तिक भी ना घर की बात को वहाँ अपनी बहन को बताने की क्या जरूरत है? यहाँ की प्रॉब्लम्स वो मैडम वहाँ बैठे बैठे सॉल्व करेगी, इसे घर के बाकी लोगों में तो अकल ही नहीं। कार्तिक तू पापा से मेरी बात करवा। जी दी बात करना चाह रही। हाँ बेटा बोलो। पापा आप माँ को समझाते क्यों नहीं हो? अरे माँ को समझना चाहिए पापा कि इस तरह जज्बातों में बहकर फैसले नहीं लिए जाते हैं। नताशा और मेरी खातिर वो गहने बेचना चाहती हैं, क्या हो गया है माँ को? आप तो जानते हैं आजकल शादियों में कितना खर्चा होता है पापा, आयशा की शादी में भी होगा, कहाँ से लाएंगे उस वक्त इतना पैसा? आप माँ को समझाइए पापा, जो हालात हमारे हैं उसमें हमें उसी में खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है, और इस तरह दूसरों की नकल करने से उनकी जिंदगी उनकी किस्मत हमारी थोड़ी हो जाएगी। और जहाँ तक नट्स का सवाल है ना पापा, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप लोग उसे आराम से समझाएंगे तो वो इतनी समझदार है कि घर के हालात को समझेगी और उसे एक्सेप्ट भी करेगी। अरे वो अब उस घर का हिस्सा है पापा। पापा आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रही है। I'm proud of you, बेटा। प्रिया पुत्र। पापा दादी मुझे बुला रही, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, और प्लीज माँ को समझाइए, ओके? हाँ 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 बेटा ठीक है, ओके बाय बाय। पापा तीने क्या कहा?
वही कहा बेटा, जो हम इतनी देर से तेरी माँ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीरियसली, अब इस घर में क्या होना है नहीं होना है ये सब वो मैडम प्रिया डिसाइड करेगी। आई थिंक सिर्फ मुझे व्रत करने से ही डर लग रहा है, वरना ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती। माँ ने भी तो इतने सालों करवा चौथ का व्रत किया है, मैं भी कर ही लूंगी, दादी भी खुश हो जाएगी। बेचारी कितनी मेहनत कर रही है कल के फंक्शन के लिए। एक तो ये मिस्टर कपूर ना कभी सपोर्ट नहीं करते। खैर देख लूंगी उनको भी। प्रिया, हाँ सुनो, मैंने बहुत कोशिश की है अपना चेन्नई ट्रिप कैंसिल करने के लिए, लेकिन मैं कैंसिल नहीं कर पाऊँ। आई प्रॉमिस यू वो कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। नुकसान तो यहाँ पे भी बहुत होगा मिस्टर कपूर, लेकिन शायद वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो पैसे का नुकसान नहीं होगा ना, रिश्तों का नुकसान होगा और वो आपकी समझ में आएगा नहीं। कैसे आपको दिखाई नहीं देता आपका परिवार आपके लिए कितना कुछ करना चाह रहा है। दादी को देखिए कितनी एक्साइटेड है वो, लेकिन सोचिए जरा इतनी तैयारी कर रही है वो और आप ही वहाँ नहीं होंगे तो कैसा लगेगा उन्हें, सोचा उनके बारे में। तुम छोटी सी बात को बड़ी बनाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं बड़ी बना रही हूँ? अरे यार करवा चौथ में हम मर्दों का क्या है, औरतों का त्योहार है ना, तो फिर मैं रहूं या नहीं रहूं क्या फर्क पड़ता है, तुम रहोगी ना, तुम सब कुछ मैनेज कर देना। अरे गोलू तुम करवा चौथ के दिन पर घर पर नहीं हो? दादी देखो मैंने कैंसिल करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं कैंसिल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है चेन्नई में, मुझे जाना ही पड़ेगा। तू जैसे अपनी मीटिंग नहीं कैंसिल कर सकता ना, वैसे मैं भी अपना करवा चौथ नहीं कैंसिल कर सकती, समझा ना तू? मैं जानता हूँ दादी, लेकिन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं क्या करूँ? अभी उसे अहमियत देनी है या नहीं देनी ये तुझे तय करना। देख गोलू तू कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, ये सब मैं नहीं जानती है। मैं केवल इतना जानती है कि घर में करवा चौथ है, उस दिन घर में सभी लोगों को होना बहुत जरूरी है। दादी मेरी बात तो तुमने भड़काया ना दादी को मेरे खिलाफ। मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात तो कोई समझने को तैयार ही नहीं है ना, ना तुम ना दादी, ना जाऊं तो प्रॉब्लम, जाऊं तो प्रॉब्लम, मैं जाने वाला हूं। ओके, इज दैट क्लियर? चिल्लाइए मत, इतने प्यार से दादी आपको समझाने आई, उनको भी नाराज कर दिया, दिल तोड़ दिया ना आपने उनका। एक मिनट, पता नहीं आपको तो ना किसी की नाराजगी से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, आई डोंट नो। एक मिनट, ये मेरे और मेरी दादी के बीच का मामला है, तुम बीच में मत आना। ओके, आई एम गोइंग टू गो एंड दैट्स फाइनल। मेरी दादी? हेलो, मेरी शादी हुई है आपसे और अब वो मेरी भी दादी है। मेरी दादी? चुक चुक, कैसे जाते हैं? प्रिया उस घर में बैठे बैठे इस घर पे हुक्म चला रही है, वो कहीं हाँ तो हाँ और वो कहीं ना तो ना। नो, मुझे उसका इम्पोर्टेंस कम करना ही होगा, वरना कोई मुझे वैल्यू ही नहीं देगा। क्या करूँ, किससे बात करूँ? आज अचानक अपनी बहन की याद कैसे आ गई तुझे? कुछ जरूरी बात करनी थी इसीलिए। As usual तूने कोई गुफ अप कर दिया होगा और अब मुझसे हेल्प चाहती है, राइट? बिल्कुल भी नहीं, और इस बार गुफ अप मैंने नहीं प्रिया ने किया है। वो इस घर में रहती तो नहीं है, लेकिन आज भी इस घर में उसी का राज चलता है। इस घर के छोटे से छोटे डिसीजन को लेके बड़े से बड़ा डिसीजन उसे पूछ कर लिया जाता है। बाकी सब छोड़ दो, करवा चौथ में मुझे ज्वेलरी पहननी है या नहीं वो भी वो मैडम डिसाइड करेगी। नेट्स, एक मिनट सुन, तू बात को खुलकर बताएगी प्लीज? बात बहुत सिंपल है, कार्तिक की मॉम कुछ ज्वेलरी तुड़वा कर मेरे लिए गहने बनवा रही थी, लेकिन प्रिया ने साफ साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आयशा की शादी के लिए है, मुझे नहीं मिल सकती। इट्स डिस्गस्टिंग, वैसे भी इनकी कोई औकात तो है नहीं कि मुझे कुछ गिफ्ट करे। जो भी कर रहे थे उसमें भी प्रिया ने पानी फेर दिया। तो नट्स, इस बारे में तुम मुझसे क्या चाहती है? एडवाइस। मैं प्रिया से तंग आ चुकी हूँ और मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए।
नेक्स्ट सॉल्यूशन सिर्फ एक है, इन लोगों को इनकी औकात दिखानी होगी। इन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुन, मैं जैसा कहती हूँ तू बस ठीक वैसा ही करती जा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.